चलो जय माता दी। एक प्लेट से हम दो नहीं तीन लोग खाने वाले हैं। Hey guys, welcome back to my channel। तो अभी बचा दिन का ढाई और आज तो वैसे हमें जाना था वापस अपने घर, मतलब बोले तो बहादुरगढ़ वापस जाना था, लेकिन मम्मी ने कहा मंगलवार को ना घर जाते नहीं है तो हम लोग गए नहीं और आज हम यहीं रुक गए। तो हमने सोचा कि हम घूम के आएंगे आज, घूम के तो क्या दर्शन करके आएंगे दूनागिरी मंदिर। और हम सुबह से अमित का वेट कर रहे हैं लेकिन आज उसकी मीटिंग थी तो वो बिजी था और अभी दिन का ढाई बज गया और हम इतनी लेट जा रहे हैं, पता नहीं हम कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे, कब मंदिर में दर्शन करेंगे। और मैंने ना, मतलब मेरे को था कि मैं पूरा जो ये बोल रही हूँ वो एक ही क्लिप में बोल दूँ, लेकिन ये प्राणी है जो महान इंसान, ये मुझे खेतों के रास्ते लेके आए। शॉर्टकट है आज हम लोगों ने ना, मतलब ऑलमोस्ट मैचिंग पहना है। वैसे हम मैचिंग कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं करता। तो हम लोग ना नीचे दुकान में पहुंच गए थे, मैंने सोचा कि अमित यहाँ पे आएगा, मैंने यहाँ पे भी उसका वेट करा, पर लेकिन अमित और पंकज दोनों ही गए हैं मीटिंग में तो आज हम दोनों अकेले जाएंगे। और अगर वो आ गए तो सीधे वो हमें मंदिर पे ही मिलेंगे और आज हम थार लेके नहीं जाएंगे क्योंकि थार की चाबी ले गया अमित। आज हम जा रहे हैं अपने काले घोड़े दूसरे वाले से, मतलब बोले तो आज हम स्कॉर्पियो से जाएंगे। और राठी जी गए हैं हमारी गाड़ी लेने के लिए, वो पार्किंग पे खड़ी है। राम जी ने सीता जब, हाँ सही है। सो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, बोलो जय माता दी। जय माता दी बोलो। आज पहाड़ों में पहली बार गाड़ी चला रहे हो ना। और ये है आसमान की ऊंचाइयों में है गाइस। आप फोन पे ध्यान मत दो गाइस, क्या बर्फ गिरती है बेटा आपको इधर। हाँ ठंडा हो जाता है यहाँ, तो यहाँ पे मतलब ढक ही जाता है। अभी 4:20 हो रहा है, हम लोग दूनागिरी पहुंच गए हैं और वैसे तो यहाँ बोल रहे हैं कि मंदिर जो है वो 7 बजे बंद होता है, लेकिन अभी भी 1 घंटे रेस्ट के लिए बंद होता है शायद बोल रहे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। और ना यहाँ इतना ठंड हो रहा है, आधा तो ठंडे से थक गई और आधा चलते चलते थक गई। यहाँ आपको पता ही होगा जो आसपास के कितना सारा सीढ़ियाँ है, और ये लड़का मेरा बड़ी ही आराम से चल रहा है। जब से ये उत्तराखंड आया तब से मैंने इसको डेली कुर्ता पजामा बनाया है, मतलब डेली कुर्ता धोती बनाया था, आज कुर्ता पजामा बना लिया। और इसको जुकाम हो गया, इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसको। जितना ऊपर जा रहा है उतना ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है ठंडे से। और अभी 800-900 सीढ़ियां और बची है, बस बीमार ना पड़ूं, कल को घर जाना है अपने। और ये पेड़ों पे हर जगह लाल चुन्नी बंधी हुई है। जो आज क्या हुआ, आज सुबह ना सोने के बोलती है मम्मी मेरी शादी, मम्मी ने उसको बोला कुछ काम ना काज की, बस कुछ काम नहीं करती ऐसे, तो क्या बोली मेरी भी शादी करा दो, मैं भी दीदी की तरह मौज मारूंगी। मैं कह रहा हूँ जो चुन्नी बंधी हुई है जानी, ये इस पे हाँ, पेड़ों पे हाँ, ये जो कोई मन्नत मांगता है वो बांधता है ना। हाँ जैसे पिछले बार मैंने नहीं बांधी थी। अच्छा, तो वो ही है जो मन्नत मांगता है वो, तो जो मतलब मन्नत का धागा बांधता है, तो जैसे मैंने पिछली बार मन्नत मांगी तो मेरी पूरी हो गई, वैसे तो वो होनी ही थी, पर फिर भी एक होता है ना मन में। अच्छा, तो इस चुन्नी को खोलते भी हैं फिर? हाँ, लेकिन मेरे को लगता है कुछ कुछ तो खुद ही खुल जाती है, कुछ लोग खोलते भी हैं। चलो गाइस जी, थोड़ा थक गई, इसको ऊपर जाते हैं तब शूट करते हैं। और 800-900 सीढ़ियाँ चढ़ ली हमने फाइनली, और अभी हमने लेना प्रसाद, ये मंदिर पहुँच चुके हैं हम। वैसे जल्दी पहुँच गए ना। हाँ, हम रुके नहीं ना कहीं। अभी और चलना है क्या? वो पेड़ कहाँ जा चुन्नी बांधते हैं मनुष्य के लिए, तो नीचे जाना पड़ता है उनके लिए। तो अभी बज रहा है 4:40 और हम लोगों को पूरा नीचे से ऊपर आने तक कितना टाइम लगा? 20 मिनट। पूरा 20 मिनट लगा है। और यहाँ पे ना हम मंदिर में आए तो मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसका गेट अभी ताला लगा है, तो उन्होंने बोला है 1 घंटे बाद खुलेगा, तो हम सोच रहे हैं कि 1 घंटा वेट कर ही देते हैं, जब इतने दूर से आए हैं और आ ही गए हैं तो 1 घंटा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे जब तक हम लोग यहाँ का व्यू इन्जॉय करते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट जो पॉजिटिविटी मिल रही है उसे लेते हैं, और उसके बाद तब तक अमित भी आ जाएगा, फिर आराम से दर्शन करके फिर घर को निकलेंगे। देखो गाइस, कोई आया, कोई दिखा हमें आते हुए। जनरेटर चला दो पहले। वो क्यों नहीं आया?
जिसकी मम्मी की तबीयत खराब होती है। अच्छा और यहाँ पे देखो फॉग होने लग गई है, कितनी सारी है। तो इस फॉग को देख के पता लगा ही सकते हो आपके कितना ठंड हो रहा है यहाँ पे। बताइए राठी जी, कुल्हड़ वाला चाय वाला होना चाहिए। हाँ आपकी आपकी वो खोल लो यहाँ पे स्टॉल, कुल्हड़ चाय, राठी चाय स्टॉल। बहुत कमाई है यार, 40-40 की चाय देते हैं। मिस पहाड़न का पति। तो जब तक मंदिर का गेट नहीं खुलता तब तक हमने सोचा कि पार्वती झूला में झूला झूल लिया जाए। यहाँ पार्वती माता वो झूला है? नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या, ऐसी लिखा है उसका नाम पार्वती झूला। पार्वती माता ने झूला झूला। हम तो कहेंगे पंछी बिनू मस्ती बिनू मस्त का बिनू में इतने ठंडे में हम कैमरा मैन अमित के साथ हमारी वीडियो बनाते हुए और वो देख कैसे वीडियो बना बिहाइंड द सीन। तो गाइस मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ देखो। सो गाइस अभी ना शाम का 5:30 बज रहा है और मंदिर के कपाट अभी तक खुले नहीं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज अभी तक खुल जाते। और जितना शाम होता जा रहा है उतनी ज़्यादा ही ठंड बढ़ रही है और हमें मतलब यहाँ पे हम हो गया होगा मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है तब, मतलब इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है और इस आधे घंटे में ना मुझे जुकाम भी लग गया है, मतलब मेरी नाक बहने लग गई है। सोना घर पर होगी, अभी ठंडा हो रहा है आपको? हाँ नीचे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना, और हमारे जैसे कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं मंदिर के कपाट खुलने का और खुल ही नहीं रहे हैं मंदिर के कपाट। शाम के 6 बज गए और हम लोग अब यहाँ मंदिर के दर्शन करके निकल रहे हैं। और आज हमारी दोनों गाड़ियाँ आई थी क्योंकि अमित भी थार लेके आया था, तो हम आए तो स्कॉर्पियो में थे जहाँ हम थार में रहे और आगे आगे चल रहा है अमित, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, दोनों गड्डी हमारी चल रही है। गाइस अभी बज रहे रात के 8:30, हम लोग ना आधे घंटे पहले घर पहुंच गए थे, आयुष का ऑफिस से काम था तो वो कर रहा था। बाकी आज का खाना हम लोग का ऊपर आंटी के वहाँ है क्योंकि आंटी हमसे काफ़ी दिन से बोल रही थी खाने के लिए, पर हम लोग ना इतना बिजी थे कि जा ही नहीं पा रहे थे। तो कल को हम जा रहे हैं वापस से अपने घर और पहाड़ी मिक्स खाना, हरियाणवी और पहाड़ी मिक्स खाना, क्योंकि वो इतने सालों से पहाड़ में रह रहे हैं तो हरियाणवी टेस्ट भूल चुके हैं और पहाड़ी टेस्ट पूरा आया नहीं है। नहीं आज जो बोल रही थी मैंने कुछ ऐसा पहाड़ी बोला जानी। तो ये बताओ आज पहाड़ में आपकी आखिरी रात है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को मेरी विदाई होगी ना। अच्छा रोना रहे? रोना तो नहीं रहेगा। अच्छा आ ले 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 दरवाजा खोलो जल्दी, यहाँ से हटो, हमारे मेहमान आ गए हैं। तो ये है हमारे अंकल जी और यहाँ पे आंटी हमारे लिए खाना बना रही है। हाय हाय वाह आपने मक्खन बना के रखा है वाइट वाला, और क्या क्या है? तो ये है किसकी सब्जी है? आलू की। तो ये है आलू, आलू का सब्जी, आलू ये दिखानी। और ये है रायता बथुए का, वाह ये है सलाद। अच्छा ये है, अच्छा ये पनीर होगी, ये तो मैंने दिखा दिया सबसे पहले, यही तो दिखाया। तो आज देसी खाना खाएंगे, अब यही बोला था ना आज हम था वो पहाड़ी और हरियाणवी दोनों खाना मिक्स खाएंगे। हाँ मैंने कहा कैसे मिक्स किया था, कह रहे वो वहाँ वहाँ से आए तो हरियाणवी भूल गए और यहाँ इतने साल हो गए उनको रहते रहते, तो यहाँ ये तारीफ थी बेइज्जती, समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, तू कौन से शोर में खो गई?
इसको दुख हो रहा है, वियोग हो रहा है, कल इसकी दीदी और जीजा जी जा रहे हैं ना। मैं तो तेरा योग नहीं आ रहा, मैं तो जीजा। और यहाँ पे बैठ गया, ये खाने के लिए बैठ गया है खदुआ। इसने मैंने इसको बोला अंकल कुर्ता खोल लो, तो कह रहा है मैं नहीं खोल रहा कुर्ता, लुक आएगा। तो गाइस ये दोनों देखो एक ही प्लेट में खाना खाते हैं एक साल से, और इनने हम लोगों की प्लेट की बचत की है। आई एम राइट। अच्छा अच्छा, मतलब आंटी की प्लेटों की बचत होगी। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी लगा है वहाँ पे। ओ भाई साहब, गाइज एक बार फोन बंद होने दो, उसके बाद महा घमासान युद्ध होता है। गाइज रात के 10:30 बज गए, यहाँ पे चल रहा है तारों का वो पता नहीं क्या क्या है, कोई बोल रहे मरकरी वीनस अर्थ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और कल हमें सुबह सुबह उठना है, निकलना है, और इनका देखो मरकरी वीनस अर्थ सारे नए माजी पढ़ते हैं। हाँ आज ही पढ़ा जाएगा।